बात जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम। अभी फिलहाल में हम नादेमू क्षेत्र में आ चुके हैं और आज दिनांक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज 9 अक्टूबर है। हो सकता है किसी कारणवश वीडियो लेट हो, उसके लिए हमें खेद है। तो एक तरफ जैसा कि आप लोगों को पता है कि रोज़ाना बारिश हो रहा है और एक तरफ यहाँ पे आलू की बुवाई जो है कंटिन्यू जारी है। आखिरकार ऐसा क्या है, इनको क्या डर नहीं लग रहा है कि बारिश हो जाएगा, बारिश में ये आलू सब नष्ट हो जाएगा। इतना सब होने के बाद भी आलू की बुवाई जो है कंटिन्यू बाकायदा बढ़िया तरीके से हो रही है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। अभी जितना आपको जो है थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा नज़र आ रहा है, ये आज ही आलू की गढ़ाई हुई है और वो हमें लग रहा कल हुई थी। चलिए बैक कैमरे से यहाँ की जो किसान भाई है उनसे इधर का हालात और यहाँ की पोजीशन उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है इनके क्षेत्र में। तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपके पास सब्सक्राइब है और वीडियो नहीं आता है तो आप लोग अगर अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन का निशान रहेगा उसे भी प्रेस कर लेना तो आपको वीडियो जो है रोज़ाना मिलने लगेगा। इस खेत में जो आलू की बुवाई है वो कंटिन्यू जारी है और आलू बुवाई के लिए ही ट्रैक्टर बैक होके जा रहा है, मतलब जगह कम पड़ गई होगी इसलिए। तो ये देख पा रहे आलू की बुवाई हो रही है बराबर। यहाँ के जो किसान भाई हैं उनसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ मैं कि भाई यार बादल तो देखो, आप लोग बादल देख रहे हैं ना, बादल भी बहुत मतलब है, और सुना भी ये है कि इधर 90% आलू की बुवाई हो गई है और कल रात में बारिश भी बहुत हुआ था जो कि आलू नष्ट हो गया है। लेकिन यार इनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जो आलू की बुवाई करते जा रहे हैं। तो ये है किसान भाई, थोड़ा इनसे आपको मिलवा देते हैं। ये देखो दादा, क्या नाम आपका? हाँ पंकज नाम है दादाजी का। दादा ये कौन सी जगह है थोड़ा बता दो, जरा काम कर लेना बाद में, थोड़ा थोड़ा बता दो ये कौन सी जगह है। हाँ कोई जगह नहीं, मतलब कौन से गांव के आसपास ये है आप जहाँ? अरे काम कर लेना थोड़ा, मुझे बता दो भैया, जो जानकारी पूछ रहे वो बता दो। किनसे? कोई नहीं, मैं अभी ड्राइवर को रोक के उनसे बात कर लूँगा, और दादा जो है मतलब बताने में थोड़ा असमर्थ है, जानकारी नहीं होगी या होगी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा ट्रैक्टर रुकवा के ही मैं बातचीत कर लूँगा क्योंकि हमें भी थोड़ा जल्दी है। बंद कर लो, रोक ले। तो अभी क्या है, अपने ट्रैक्टर बंद कर लो भैया। ये भैया ये बताओ भैया कौन सी जगह है? ये है सौरिक पास नंगला बीरवान। सौरिक के पास नंगला बीरवान। अच्छा ये बताओ, एक तरफ ये इतने घने बादल है और सुना जाता है यहाँ पे कल रात बहुत बारिश हुआ था जिसमें बहुत सारा नुकसान हो गया है। कल बोए थे ये आलू, कल आपने ये बुवाई करा था ना ये वाला, और रात में मतलब बहुत ज्यादा बारिश हुआ था यहाँ पे, बंद कर दिया था इसलिए, और फिर आपने शुरू कर दिया। क्या करा है वो, ये लकड़ियाँ है खराब हो रही थी। अच्छा ये जो है खराब हो रही है, और ऐसा नहीं लग रहा बादल है बारिश हो जाएगा फिर भी खराब होगा? खराब हो जाती है खेत में, खराब हो जाएगी क्या? खेत में खराब होगी तो मतलब कुछ दबी बढ़ जाएगा खेत का। तो आपके यहाँ पे कितना बारिश हुआ होगा कल? बहुत ज्यादा बारिश। कितना? ऐसा है हमारे बालू जमीन है, बारिश काफी होती है, कोई पता नहीं चल पाता है कितना क्या है, लेकिन बता रहे नादेमू क्षेत्र में बारिश हुआ था पूरा पूरा। बारिश मेरे गाँव छोड़ गई, मेरे गाँव में हुई जैसे बालू जमीन। कब हुई? कल भी हुई, परसों भी हुई। आप ही का खेत है ये? आपका भैया? कई बीघा आलू बुआई कर चुके हो अभी तक? 4 बीघा भाई गाड़ो भैया पानी के मारे। नहीं आपके क्षेत्र में मतलब कई % आलू की बुआई हो चुकी होगी? हो चुकी हो, एक या 100 100% जानते हो मतलब पूरी कच्ची? हाँ कच्ची 100% सब हो चुकी कच्ची, जितनी होती थी जितनी होती है 70-80% तो अभी भी लग रहा हो गई होगी यार। कच्ची सारी हो चुकी है। अच्छा अच्छा, तो ये बीजा कब निकाल के लाए थे आप? ये हो गए 20 दिन हो गए। अच्छा अच्छा, मतलब बहुत दिन हो गए घर पे रखा रखा। तो अभी क्या है यहाँ पे बारिश वगैरह हुई थी, लेकिन ये लोग बताते हैं भैया कि अगर ये घर पे रखा रहेगा तो खराब हो जाएगा, और खेत में होगा तो खराब हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बताओ अभी कोई ऐसा भी खेत है जिसमें कि 1 महीने का आलू भी हो चुका हो, इधर है कोई? नहीं, करीब 20 दिन का हो चुका। कहाँ पे है?
किला थोड़ा थोड़ा निकल गया हल्का हल्का सा। चलो बात बाकी आप लोगों ने जान ही लिया है कि भैया ये लोग क्यों बराबर कंटिन्यू बुवाई कर रहे हैं। दरअसल बात ये है कि जो बीजा है ज़्यादा से ज़्यादा अभी थोड़ा ठंडा मौसम हो गया इसलिए 20 दिन घर पे रख सकते हैं और उससे ज़्यादा घर पे नहीं रख सकते, इसलिए लोग आलू की बुवाई वगैरह जो है कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल में आप लोगों को हम इसी क्षेत्र का ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखा रहा हूँ इधर का पोजीशन क्या है।